नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सूरत रेलवे स्टेशन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। सूरत के रेलवे स्टेशन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित NFIR के उपाध्यक्ष एवं वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के महासचिव और हमारे आदरणीय दादा जे जी महुरकार के 86वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी WRMS सूरत शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तकरीबन 71 यूनिट एकत्रित किया गया। सूरत रक्तदान केंद्र, सूरत रक्तदान और रिसर्च सेंटर सूरत से जो रक्तदान के शिविर के कोऑर्डिनेशन कर रही है, और ये जो WRMS का पूरा जो वेस्टर्न रेलवे है, मतलब चर्च गेट से लेकर इधर बैरागढ़ तक और इधर गांधीधाम तक पूरा सप्ताह, मतलब 16 तारीख को उनका 86वां जन्मदिन, पूरा सप्ताह हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। और हर क्षेत्र में ये हमारे जनरल सेक्रेटरी दादा महुरकर जी उनका 86वां जन्मदिन है आज। हर साल इसी तरह से हम परसों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और ये पूरा वेस्टर्न रेलवे में होता है। 15 दिन उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर हम लोग रक्तदान शिविर करते हैं। ये पूरा वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे के टोटल 6 डिवीजन है, पूरे 6 डिवीजन में चलते हैं। ये सूरत रक्तदान केंद्र, सूरत रक्तदान और रिसर्च सेंटर सूरत से जो रक्तदान के शिविर के अंदर जो टीम हमारा कोऑर्डिनेशन कर रही है, और ये जो WRMS का पूरा जो वेस्टर्न रेलवे है, मतलब चर्च गेट से लेकर इधर बैरागढ़ तक और इधर गांधीधाम तक पूरा सप्ताह, मतलब 16 तारीख को उनका 86वां जन्मदिन है, और पूरा सप्ताह हम लोग इस तरह के आयोजन करते हैं। और हर क्षेत्र में जो भी बड़े शहर है, प्रमुख शहर, चाहे बरोड़ा ले लो, चर्च गेट ले लो, बोरीवली ले लो, अंधेरी ले लो, हम प्रतिवर्ष करीब करीब पिछले 15 वर्षों से प्रतिवर्ष करते हैं, और हर जगह पे हमारा अच्छा से अच्छा टारगेट होता है। पिछले वर्ष बरोड़ा मंडल में जो हुआ था उसमें 2000 ब्लड यूनिट इकट्ठी हुई। हमारे दादा महुरकर का ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट में 55 वर्ष का अनुभव है, उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्ष आज वो सतत 18 घंटे से 20 घंटे मेहनत करते हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार श्री अशोक चव्हाण द्वारा उनको द्रोणाचार्य पत्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में उनको सावित्रीबाई फुले को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इतने कर्तव्यनिष्ठ, सेवाभावी और कर्मठ और हमारे आदरणीय हैं, मतलब हमारे तो मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हैं उनके। तो ये मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं की एक भावना होती है कि उनके हिसाब से एक सामाजिक कार्यक्रम, ये मजदूर संघ की संस्कृति को दिखती हुई है कि हम कोई भी हमारे ऐसे बड़े नेता अगर उनका जन्मदिवस है या कोई अच्छा प्रमुख वो है तो उसमें हम इस तरह का रक्तदान शिविर का आयोजन। अभी तक हमारे पास लगभग 45 जनों ने रक्त दे चुके हैं, और हमारा पूरा टारगेट है आज का 101 से लेकर 121 ब्लड यूनिट, जो काफ़ी लास्ट ईयर से शायद 40 से 50 यूनिट ज़्यादा का हमने टारगेट रखा है। ये क्या है कि पिछले 3 साल से थोड़ा सा सक्रियता लोगों के अंदर ज़्यादा बढ़ी है, हमारा प्रयास भी थोड़े से ज़्यादा सुधरे हैं, तो हम उसको प्रयास करें। सर, चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हो? रक्तदान, जैसे तो कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, और चिकित्सीय आधार पे भी कहा जाता है कि हर 3 महीने में आदमी अगर ब्लड देता है, रक्तदान देता है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, और रक्तदान करने से काफ़ी बीमारियों से आदमी दूर रहता है। तो मेरा तो यही आह्वान है सभी देश के नागरिकों से, आप पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध है कि आप लोग भी आएँ और रक्तदान शिविर में अपनी आहुति दें और मानवता की तरफ एक कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। सूरत से मनोज वैष्णव की एक रिपोर्ट।